नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं वीरी टीवी भारत। केंद्र सरकार की कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को ईडी द्वारा पूछताछ मामले में दिल्ली में कांग्रेस का प्रदर्शन जोरदार तरीके से जारी है। दिल्ली में उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शकुंतला रावत ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने बेरोजगारी कम करने, किसानों की आय दोगुना करने, काला धन लाने और महंगाई को कम करने जैसे अनेकों वादे किए थे। सभी वादे आज केवल जुमले बनकर रह गए हैं। शकुंतला रावत ने केंद्र सरकार पर हमला बोला और उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री की तारीफ करते हुए कहा कि सीएम अशोक गहलोत से प्रबंधन कैसे किया जाए ये सीखना चाहिए। उन्होंने कहा कि राजस्थान में ओल्ड पेंशन योजना, चिरंजीवी योजना सहित अन्य कई योजनाएं चल रही हैं, जिससे लोग लाभान्वित होकर राज्य सरकार का गुणगान कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार आमजन का ध्यान बढ़ती महंगाई और ज्वलंत विषयों से हटाना चाहती है। यही वजह है कि वह कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष से ईडी का दुरुपयोग कर पूछताछ कर रही है। कांग्रेस पार्टी ईंट से ईंट बजाकर लड़ाई लड़ेगी। शकुंतला रावत ने कहा कि दिल्ली में उनके साथ कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली, तिजारा विधायक संदीप यादव, किशनगढ़ बास विधायक दीप चंद प्रधान, जिला प्रमुख, सरपंच और प्रदेश पदाधिकारी सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। सरकार है सम्माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो एक भी भारत देश के लिए उन्होंने जो वादे किए थे कि काला धन लाऊंगा, किसान की आय दुगनी करूंगा, महंगाई को जड़ से खत्म कर दूंगा, बेरोजगार को नौकरी दूंगा, लेकिन पूरे देश में आप देख रहे हैं कि उल्टा हो रहा है। महंगाई चरम सीमा को छू रही है। एक आम व्यक्ति जो घर घर में जो उज्ज्वला योजना चलाई थी, सिलेंडर दिया था, उसको भराएं कहाँ से भाई? 450 रुपये में आता था, 1000 से ऊपर हो गया। डीजल पेट्रोल देखिए आप, रसोई के सामान की रेट देखिए, और रोजगार की तो बात ही नहीं करें। किसान की आय दुगनी करने के बजाय उल्टा काम हो रहा है। तो हम देश के प्रधानमंत्री महोदय को कहना चाह रहे हैं आपके माध्यम से कि वो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से प्रेरणा लें। जैसे मुख्यमंत्री राजस्थान के अशोक गहलोत जी ने ओल्ड पेंशन योजना है, चिरंजीवी योजना है, फ्री दवा योजना है, फ्री जांच है, किसान मित्र योजना है, इतनी सारी योजनाएं जो चलाई RGSH है कर्मचारियों के लिए, महिलाओं के लिए, उद्यमियों के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में हर वर्ग को जो लाभ दिया है। तो देश के प्रधानमंत्री जी, जो महंगाई है पूरे देश में, चाहे अग्निवीर की योजना जो इन्होंने ये कानून बनाया है, पूरे देश के युवाओं में एक आक्रोश है। तो इन चीज़ों से ध्यान भटकाने के लिए एक सामाजिक तौर पे, वर्ग के तौर पे, और ये ईडी का छापा जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय सोनिया गांधी जी को ये दिया जा रहा है, पहले राहुल गांधी जी को दिया था, डराने के लिए दिया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी डर जाए और विपक्ष जड़ से खत्म हो जाए, लेकिन हम राजस्थान की तरफ से मुख्यमंत्री महोदय अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में, राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी के नेतृत्व में, हमारे राजस्थान की कांग्रेस बिल्कुल पूरा ईंट से ईंट बजाने को तैयार है। और कांग्रेस पार्टी कभी भी समाप्त होने वाली नहीं है, डट करके विरोध करेंगे। आज हमारे अलवर जिले से ही हैं सम्माननीय मंत्री टीकाराम जूली जी हैं, विधायक तिजारा से संदीप यादव जी हैं, दीपचंद खैरिया जी हैं, जिला प्रमुख जी हैं, हमारे प्रदेश पदाधिकारी हैं, सभी हम प्रधान, सरपंच, पूरे गाँव में एक आक्रोश है। अध्यक्ष महोदय हैं हमारे, मिश्रा जी हैं, तो ये सारी टीम आकर के इनके नेतृत्व में, अध्यक्ष जी के नेतृत्व में यहाँ पर आई है। और पूरा हम, जब तक कि वो कितने ईडी के नोटिस दे दे, कितना ही पूछताछ करे, पूरे राजस्थान की नहीं, पूरे देश की कांग्रेस एकजुट होकर के मुकाबला करे। ताज़ा अपडेट के लिए जुड़ी रहिए वीरी टीवी भारत के साथ। नमस्कार।